मान लो कि तुम नाटक कर रही हो, ये सब एक ड्रामा है, तुम्हें सब कुछ याद है। तुम उस साई से मिलने आई थी ना यहाँ पर। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। बकवास बंद करो निशा, मैं जानता हूँ वो डॉक्टर तुमसे मिला हुआ। निशा सच बोलो। प्लीज मुझे डर लग रहा थी, प्लीज मैं गिर जाऊंगी। अब ये झूला तभी रुकेगा जब तुम मानो। तुम नाटक कर, बोलो कि तुम नाटक कर रही हो, बोलो। प्लीज दादी प्लीज रुक जाओ, बोलो तुम नाटक कर रही हो। प्लीज दादी मुझे चक्कर आ रहे हैं। दादी निशा प्लीज उठो। जानवी तुम आदित्य क्या कर रहे, पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हैं ये सब? ये नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, अभी भी ड्रामा कर रही है ये। नाटक कर रही है, सांस भी नहीं ले रही है वो अभी ठीक से। निशा प्लीज उठो। लिसन टू मी, मैंने इसके लिए नोट लिखा था घर पे। हाँ यही ना, क्या कर 9 बजे मुझसे मिलो, पढ़ा मैंने वो। ये ड्रामा कर रही है, ये इस डॉक्टर से मिली हुई है, यहाँ साई से मिलने आई थी। ऐसा कुछ नहीं आदित्य, वो नोट निशाने देखा भी नहीं है, बाबा साहब ने बता दिया मुझे। अरे घर पर काकी माँ को बोल कर आई है, उसका पर्स यहाँ रह गया था, वो लेने आई थी। What? वो देखिए पर्स वहाँ गिरा हुआ है। I don't believe this. आपने अपना शक साबित करने के लिए उसकी जान खतरे में डाल दिया थी। अब से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। निशा, जल्दी कीजिए, कुछ लेके जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निशा की तबीयत ठीक है, हमें चांद की पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। जानवी तुम जाके चांद की पूजा की तैयारी करो। जानवी चलिए आप सब। जानवी खुश है बाप, देखिए ना उसकी हालत ड्रिप चढ़ गई है उस। I know, पर अब ठीक है वो। हाँ वो अभी ठीक है, लेकिन इस तरह से आप बिहेव करते रहेंगे ना तो वो पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मैं क्या करूं जान, जब डॉक्टर ने फोन किया निशा को तो मुझे लगा कि डॉक्टर कोठारी खुद उसका केस हैंडल कर, दिन में 2 बार उससे बात करते हैं रूटीन फॉलोअप के लिए, दैट्स इट। आप कब मानेंगे कि उसकी आदर्श सच में चली गई आदित्य? आज झूले से डराया उसे, कल के आग में फेंक देंगे। I know you're right. मुझसे गलती हो गई। पर मैं क्या करूं जान? जब भी मैंने निशा पे भरोसा किया उसने धोखा दिया मुझे। तुमने देखा है ना पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया उसने, कोई कसर नहीं छोड़ी। जो तुम कह रही हो आई थिंक ठीक कह रही हो, शायद निशा की हालत सच में ठीक नहीं। सॉरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। आई एम सॉरी यार। क्या कर रहे हैं आप, प्लीज उठिए। आई एम सॉरी, अब मुर्गा बन जाओ या एक काम करता हूँ, चीनी बिनी से पूछ लेता हूँ कि लेटेस्ट पनिशमेंट क्या है। चीनी इसकी कोई जरूरत नहीं प्लीज। तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है इसकी बहुत जरूरत है, तो मैं एक काम करता हूँ मुर्गा। ओके आदित्य प्लीज उठिए, काकी माँ देखेगी ना तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। उठिए देखो चांद निकला है।
गौरी माँ, भोलेनाथ, आज तीज के मौके पर आपसे सिर्फ अपने पति और परिवार की खुशियां मांग रही हूँ। उन्हें सेहत, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ मिले। मेरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और प्लीज निशा को भी जल्दी ठीक कर दीजिए। उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। और मेरी प्रार्थना है कि सबके बारे में सोचने वाली मेरी पत्नी को हमेशा खुश रखिए। हर वो इंसान जो उसे उसका हक छीनना चाहता है उसे मेरी जानवी से दूर रखिएगा। जानवी मेरी पत्नी है हर मायने में। बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। हमारे घर की सारी सुहागनों की मनोकामना पूर्ण करना। चलो सभी खाना खा लेते हैं। जी जल्दी चलो, कुछ नहीं खाया तो बेहोश हो जाऊंगा। चल, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, तुम्हारा तीज का पहला व्रत है, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, तुम्हारे तुम्हारे लिए व्रत रखा है। इसकी क्या जरूरत थी, सुबह से आप इतना कुछ कर रहे हैं। चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। कोशिश की जानवी को आदि की जिंदगी से दूर रखने की, और ये लड़की हमेशा मेरा खेल बिगाड़ देती। अगर आज ये किसी भी तरह अपने घर चली जाती तो मेरा काम बन जाता। ये सब आपने किया है? मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। बस थोड़ी सी कोशिश की है। मुझे पहले पानी पीना। ऑफ कोर्स। अरे आग लगी, आग आग आग। जानी रिलैक्स, प्रॉब्लम सॉल्व। यार मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हें मेरी जिंदगी में इसीलिए भेजा, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये सब एक ड्रामा है, तुम्हें सब कुछ याद है। मैं गिर जाऊं। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना जानवी, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है।
आपको भूख नहीं लग रही? पर मुझे तो लग रही। Amazing. मेरा कस्टर्ड कहाँ है? वो रहा, मैंने बनाया। बोलो तुम नाटक कर रही हो। क्या किया? क्यों धक्का दिया मुझे आदि? क्यों मुझे गिरा दिया तुमने झूले से? मैंने कितना कहा मुझे डर लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी। तुम क्या कर रहे थे? तुम कह रहे थे कि मैं नाटक कर रही हूं। क्या इल्जाम लगा रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आदि। आदि बेटा, ये निशा क्या कह रही? तुम क्या बात कर रही हो निशा? आदि से पूछिए काकी माँ, मुझे झूले से धक्का क्यों दिया आदि ने? तुम हमारे साथ पूजा के बाद घर पे आई हो वापस? हाँ, तुम बेहोश हो गई थी, पर वहां नहीं, यहाँ। तुमने चांद की पूजा की और तुम्हें कमजोरी सी महसूस हुई और तुम बेहोश हो गई। नहीं नहीं काकी माँ, मैं वहां वापस गई थी जहाँ हमने सुबह पूजा की थी। वो मेरा पर्स रह गया था, आदि का गिफ्ट था ना उसमें, मैं वो लाने गई थी। आदि भी आया था वहाँ, मुझे झूला दे रहा था वो, और फिर उसने मुझे धक्का दिया झूले से और मैं बेहोश हो गई। निशा, तुम ज्यादा अपने दिमाग में जोर मत दो, तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं है ना? नहीं काकी माँ, मैं बता रही हूँ आपको, मैं बेहोश हो गई थी। नहीं निशा, तुमको शायद वहम हो गया है, किसी बुरे सपने से जग गई हो तुम। तुमने हमारे साथ तीज की पूजा की, आदि के हाथों अपना व्रत तोड़ा है और पानी पिया, तुम बेहोश हो गई। हाँ निशा, हम लोग सब वहीं पर थे जब तुम बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हाँ, डॉक्टर ने भी यही कहा था कि सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं ना, इसके लिए तुम्हें कमजोरी हो गई, इसलिए तुम्हें ये ड्रिप लगी है। तुम अब खाना खा लो और आराम करो। ऐसा हुआ था?
मुझे कुछ याद नहीं है। आदि, क्या ये सच है? हाँ निशा, काकी माँ ठीक कह रही हैं। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा शायद। बुरा सपना? बुरा सपना ही होगा। आदि क्यों मुझसे ऐसे बात करेगा? मैं जानती हूँ आदि, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। एक मिनट, आराम से, आराम से। केयरफुल आदि, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं आंख खुलते क्या क्या बोल दिया मैंने। इट्स ओके, तुम प्लीज आराम करवाओ। आई लव यू आदि। कितना ख्याल रखते हो मेरा आदि। मैंने तुम्हें वो घड़ी दी ना, कैसी लगी तुम्हें? हाँ, अच्छी थी। थैंक्स। मुझे लगता है कि अब निशा को आराम करना चाहिए, और शायद अब निशा का खाना यहीं भिजवा देते उसके कमरे में। चलो मेरे साथ। काकी माँ, आप सोई नहीं अभी तक? तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख के मुझे नींद थोड़ी ना आती। मैं ठीक हूँ। तुम्हारे ठीक मूड को और बेहतर बनाने के लिए देखो मैं क्या लाई हूँ। आदि, आई एम सॉरी। पता नहीं, शायद मेडिसिन्स की वजह से बहुत ड्राउजीनेस हो रही है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। इट्स ओके निशा, तुम इस बारे में मत सोचो प्लीज। कुछ खा लो। कस्टर्ड तुमने बनाया ना, तुम अपने हाथों से खिला दो। ये आदि ने बनाया है अपने हाथों से। बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था आदित्य ये सब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया आदि, थैंक यू। चलो अब तुम आराम कर लो। क्यों जा रहे हो? रुको ना, मैं अकेले नहीं सोऊंगी। पिछली बार अकेले सोई थी, इतना डर गई थी, बहुत बुरे सपने आ रहे थे। प्लीज रुक जाओ, तुम यहाँ मेरे पास रहोगे तो मुझे अच्छे से नींद आएगी। ओके। तुम्हारे प्यार ने आदि को बदल दिया है। बहुत चाहता है वो तुम्हें। बस ये हालात ही कुछ ऐसे हैं, पर हर हालात में एक दूसरे का साथ निभा लो, फिर देखना जीत सिर्फ तुम्हारे प्यार की होगी। क्या सोच रही हो? निशा के साथ जो हुआ है उसके लिए मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, और फिर आदि ने आज पूरा मत मानेगा, पर आपने भी झूठ कहा।
झूठ बोलना पड़ा, लेकिन कभी कभी झूठ का मुंह बंद करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मानती हूँ कि निशा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसकी इस हालत से पहले बहुत दुख दिए है उसने हमें, बहुत कुछ सहा है, उसकी वजह से बहुत कुछ खो दिया है। अभी आके अगर वो मुझे अपनापन दिखाए, मेरे दिल से उसके लिए ममता या प्यार सब कुछ मर चुका है। काकी माँ, मैं समझ सकती हूँ, माफ करना बेटा, लेकिन मेरे परिवार ने जो कुछ भी सहा है मैं चाह के भी नहीं भुला सकती। जानती हूँ आज आदि गलत था, वो अपना आपा खो बैठा, पर जिस औरत का मकसद ही हमारी बर्बादी है उसको क्या हक बनता है कि वो मेरे आदि से सवाल पूछे। बस आदि को उसके सवालों के घेरे में फंसता हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने झूठ बोल दिया, और आगे भी आदि को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, तो मैं संकोच नहीं करूंगी।